नमस्कार। मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ गेनरी के साग बनाने। और बिहार में गेनरी बोलते हैं और यूपी में चौलाई बोलते हैं। तो गेनरी के साग और दलपिट्ठी मैं बनाऊँगी। गेनरी के साग को अच्छी तरह से बना के दलपिट्ठी के अंदर भर के और फिर मैं बना करके, तो चलिए मैं बना। अब इसे अच्छी तरह से मैं झाड़ दी हूँ बढ़िया से, और इसका जो हार्ड डंठल है इसे हटा दूंगी। सॉफ्ट इसमें से पत्ता निकाल लूंगी मैं, या डंठल भी अगर सॉफ्ट हो तो उसे भी निकाल लेंगे। इससे सारा कीटाणु निकल जाएगा। और इसको अच्छी तरह से साफ कर लूंगी, उसके बाद कटिंग करूंगी। ये देखिए डंठल निकल गया, इसे फेंक देना है। और जो छोटा छोटा है इस तरह से इसको ऐसे ही छाट के रख लेना है। ये सब तो गल जाएगा अच्छी तरह से। साफ करके मैं इसमें रख रही हूँ, सब साफ कर लेती हूँ, फिर इसको कटिंग करूंगी मैं। इसका बहुत अच्छा साग होता है, बना के आप देखिए। और साग बना करके दलपिट्ठी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है दलपिट्ठी में। दलपिट्ठी के अंदर भर के, जो दाल में पिट्ठी में जो बनता है उसकी पिट्ठी के अंदर इसको भरा जाता है, फिर भर के उसके बाद दाल के अंदर डाल दीजिए, बहुत टेस्टी होगा। वो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। बड़ा ध्यान से इसको साफ करना होता है, कोई कीटाणु ना हो। यहाँ चरपाई नहीं है, नहीं तो चरपाई पे बहुत अच्छी तरह से इसे साफ हो जाता, क्योंकि उसके नीचे से सारा कीटाणु निकल जाता। और चार पांच पानी से अच्छी तरह से धोना है इसे। मार्केट के तो मिलता है ऐसा ही, गांव में तो खेतों में होता है, मार्केट में तो ऐसे ही पानी से पूरा पता नहीं किस तरह के पानी डाले हुए रहता है। अब मजबूरी है यहाँ पे साग लेना, तो इसे अच्छी तरह से धोऊंगी कटिंग करने के बाद। ये काटली में अच्छी तरह से गेंदी के साग को देखिए, आप चौलाई भी बोल सकते हैं इसे। अब ये मैं फसल रख दी और इसे उठा लेती हूँ अच्छी तरह से, और इसे चार पांच पानी से इसे मैं धो लूँगी, लेकिन धोते हुए नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर बनाते हुए आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से साफ करके रख ली हूँ, और इतना सारा कूड़ा निकला है, ये डंठल, मोटा मोटा डंठल, ये देखिए ये सब कूड़ा है, ये फेंकना है। इसका ये बीज है, सब फेंकना है इसमें। और मैं इसे अब काट के आपको दिखाती हूँ, फसूल से काट के दिखाती हूँ। और यहाँ पे दराती बोलते हैं, ये रहा फसूल, हम इसको बोलते हैं, और यहाँ के लोग दराती बोलते हैं, नोएडा के लोग, बिहार में इसे फसूल बोलते हैं। ऐसे बारीक बारीक काट लूंगे, ज्यादा बारीक भी नहीं काटना है और ज्यादा मोटा भी नहीं काटना है। ऐसे उठाना है इसे अच्छी तरह से। और यहाँ लेके आना है, और इसे इस तरह से थोड़ा ताकत लगता है, ये देखिए ऐसे है, और इसको ऐसे पकड़िए। इसी तरह से पूरा कटिंग कर लूँगी मैं। दाल पिट्ठी में दाल बनाने के लिए जीरा, धनिया और काली मिर्च, दो लाल मिर्च, तड़का मैं पहले दे रही हूँ, पहले ही लगा रही हूँ तड़का, ताकि बाद में लगाना ना पड़े। हींग थोड़ी सी, प्याज, अरहर के धान है छिलका वाली, हल्का हल्का छिलका, धो ली अच्छी तरह से पांच छह पानी से,
दाल को पहले भून लूंगी अच्छी तरह से, अरहर के दाल के या घी या तेल में या सूखा भी पहले भूनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं दाल के पहले भून लेती हूँ। हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक इसके अंदर खुशबू अच्छी तरह ना आ जाए। बनाने के लिए तेल रख ली हूँ, तेल गर्म हो गया है। अदरक लहसुन कूटा हुआ, दो लाल मिर्च तोड़ ली हूँ, साग धो के रख ली थी, भिंडी के साग है, बिहार वाले के लिए गेंदरी के साग है और यूपी वाले के लिए चोलाई के साग है और पता ना और जगह क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। दाल भून गई है अच्छी तरह से, अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन कूटा हुआ और पानी, कुकर के ढक्कन अब बंद करती हूँ मैं। साग हो गया है, थोड़ा सा है हल्का हल्का पानी इसके अंदर, ये सूख जाएगा बिल्कुल, हो गया। और इधर दाल भी हो गया है, एक सीटी और दाल में लगेगा दाल हो जाएगा। दाल रख ली हूँ मैं, ये अभी इसमें के अंदर सीटी है, थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। और ये आटा गूंद ली हूँ, आटा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा आटा के बनाऊंगी और आटा रहेगा इसके अंदर। और ये साग बना ली हूँ, अभी जो साग दिखाई थी नमक डालते हुए आपको नहीं दिखाई हूँ, नमक डाल दी हूँ, ये साग बन के तैयार हो गया। और इसके अंदर पानी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बर्तन है, दो फैमिली के लिए बना रही हूँ इसलिए, और आप लोग थोड़ा भी बना सकते हैं अपने अंदाज से हिसाब से। तो पिट्ठा कैसे बनाते हैं, दल पिट्ठी इसको बोलते हैं, जो पिट्ठी होगा ना वो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, परथल लगा करके अच्छा से परथल लगा लीजिए, उसके बाद इसके अंदर जो ये गेंढड़ी के साग है इसके अंदर मैं भरूंगी। इसे पिट्ठी बोलते हैं,
इसमें अगर आप कोई डिजाइन नहीं भी बनाना चाहते तो नहीं बनाइए, ऐसे ही भर दीजिए। ज़्यादा पतला नहीं बनाते, थोड़ा हेल्दी बनाती हूँ मैं, हेल्दी खाने में अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला इतना अच्छा नहीं लगता। देखिए ये नहीं खुलेगा बिल्कुल। ऐसे भी चिपका के रख सकते हैं आप ऐसे। ऐसे ही बना सकते हैं, आपका जो भी डिजाइन मन करे आप बना लीजिए। इस तरह मैं सब बना लूँगी, एक ये डिजाइन हो गया, एक ये डिजाइन हो गया, और ये इसके अंदर ये गेंडी के साथ बना के डाल के देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैं सब बना लेती हूँ, बना लिए हैं, और इधर भी है, दो फैमिली है, 8 मेंबर है, तो इस हिसाब से बड़ा बर्तन बन रहा है, तो ये मत आप सोचना कि कितना सारा बना रही हूँ मैं। पानी खोल रहा है, दाल है, ये दाल जो बनाई थी, थोड़ी सी इसके अंदर पानी डाल के निकाल देती हूँ। पानी बिल्कुल खोल रहा है, देखिए ये दाल है, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, इसे ऐसे मिला करके अरहर की दाल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देसी घी के इसमें तड़का लगा सकते हैं आप। देखिए जिसमें गेंडी के साग भर के रखी हूँ अभी से इसमें डाल रही हूँ मैं। दाल को अच्छी तरह से डालना होता है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, ताकि खूब बढ़िया से इसके अंदर दाल के अंदर पक जाए पिट्ठी, इसे दल पिट्ठी बोलते हैं। इससे पहले मैं दाल के दुल्हा भी दिखाई थी,
वो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और ये दाल पिट्ठी है, हमारे यहाँ इसको दाल पिट्ठी बोलते हैं। अब ये अच्छी तरह से ढक के रख देती हूँ। अभी और पकाऊंगी, कम से कम ये 20 मिनट पकेगा। देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है इसके अंदर, इतना बढ़िया बन गया है। अब अच्छी तरह से पक गया है, देखिए दाल पिट्ठी पक गया है। अब मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको अब गैस बंद करती हूँ, फिर प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया तला हुआ है, ये बिल्कुल पानी में तल गया, एकदम से उबल गया। दाल पतला पतला है, अगर आप गाढ़ा रखना चाहते हैं तो गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन पतला दाल इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको खाना है। ये चौलाई के साग भरा हुआ दाल पिट्ठी बन के तैयार है, देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। ऐसे निकाल के दीजिए खाने के लिए, और एक चम्मच दे दीजिए, और इसके साथ कट करके दाल में लेकर के खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। से आप अगर चाहते हैं तो इसको बीच से कटिंग करके देखिए, इसके अंदर ये साग है। ये देखिए साग है इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह से काट के छोटा छोटा बाइट काटिए और ऐसे लीजिए। लीजिए आप खाइए, आपको कैसा लग रहा है देखिए, टेस्ट कीजिए। यदि अच्छा लगे तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।